अब यहाँ से इस पर टेबल पे मैंने बुक रखी हुई, बोलिए ना जैसे एंटर करोगे जहाँ मैम बैठती वहीं पे। बाकी को सी सेट नहीं पढ़नी है वो, कि वो भी आगे पढ़ेंगे वो। अच्छा, बाकी को दिक्कत हो जाती है ना फिर, समझ नहीं आएगी, मेन इशू वो है। ठीक है जी, चलो। और ये अभी जब वो पढ़ रहे हो तो ये पहली, देखो होता है ना कि चैरिटी बिगेंस एट होम। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, लेट से आप, मैं एक IAS KS ऑफिसर बन दे, तो बीइंग पंक्चुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मुझे लेक्चर का पैसा मिल रहा है, बट आप लॉस में हो, बिकॉज मैं एक दिन चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको इलाबोरेट कर रहा हूँ 2-3 बारी, आपका फ्रेंड एक बारी बताएगा, एटमोस्ट दूसरी बार बताएगा, समझ आए नहीं आए वो अलग बात है। फिर यहाँ पे हम अकाउंटेबल कि भाई मैं आया था उस दिन, आपको समझ नहीं है तो मैं दूसरे दिन बताऊँगा, अगर आप उस दिन आए ही नहीं तो आई एम लीस्ट अकाउंटेबल कि मैं आपको बताऊँ। तो बोलते हैं यही, क्या कहते हैं, जब हम पंचुअल नहीं रहे, पंचुअल ब्रीड्स करप्शन। तो सॉरी, पंचुअलिटी नहीं, मतलब अगर आप पंचुअल नहीं हो तो अगेन वो फिर करप्शन में आ जाता है। इसकी बड़ा मतलब, अगर आप एथिक्स के पढ़ोगे तो एथिक्स में आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें छोटी छोटी वो आपको खुद से करनी होती है। ये अब समझने के लिए नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट यू पीपल आर मिसिंग इट। एक दिन आ रहे हो, दूसरे दिन कैजुअल अप्रोच है। मतलब अभी जैसे अभी क्या करते थे, जब मैं अपनी एज में बताता, मैं आई वॉज लाइक, मैं लेट आता था, मैं बट रोज़ आता था, मैं लेट था, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं लेट नहीं होता था, मैं लेट होता था बट मैं रोज़ आता था। क्यों? क्योंकि कुछ पढ़ाया जाता, अगर आपने एडमिशन की है तो ना आने का क्या फ़ायदा फिर। यहाँ आप 2 माइंड्स में, मेरा पेपर भी है संडे को, मैं ट्यूशन जाऊँगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये देख लेना, इससे ज़्यादा टाइम आप घर में वेस्ट करते हो। ये प्रूव आई हैव, मतलब ये मैंने अपने साथ किया हुआ है, कि जिस दिन आप बोलते ना कि भाई मैं उधर नहीं जाऊँगा, जिस दिन मेरे, अच्छा घंटा एक जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटे वहाँ हो गए, 3 घंटे, वो 3-5 घंटे आप घर में वेस्ट कर दोगे ईजिली। कोई भी, मतलब वो बोलते ना कि मैं हूँ, क्या कहते हैं, मैं पढ़ लूँगा, हो ही नहीं सकता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गए जो जो बोलता है वो करता है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग है फ्रेश। रेशियो प्रोपोर्शंस हमने कर दिया था, उस पर हम पार्टनरशिप का एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, पार्टनरशिप उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, लिखिए पार्टनरशिप, हेडिंग लिखेंगे आप। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो किसी एक एंटिटी से मैं क्या करता हूँ कि भाई आई एम स्टार्टिंग ए बिज़नेस, फॉर दैट आई नीड मनी, और वो पैसा के लिए, बट मेरे पास कैपिटल नहीं है, आप मुझे कैपिटल दो, मेरे पास जो मैं वहाँ से कुछ कमाऊँगा तो आई विल रीपे यू। अब क्वेश्चंस लेते हैं उस पर। ए स्टार्ट्स ए बिज़नेस विद ₹2,000। ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ₹2,000। कॉमा बी ज्वाइंस हिम, बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 मंथ्स, बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 मंथ्स विद ₹4,000, विद ₹4,000। सी पुट्स ए सम ऑफ ₹10,000, सी पुट्स ए सम ऑफ 10,000, 10,000 फॉर 2 मंथ्स ओनली,
फॉर 2 months ओनली फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर The business gave a profit of 5,600. At the end of the year, the business gave a profit of rupees 5,600. Full stop. How should the profit be divided among them? How should the profit be divided among them? ठीक है तो अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मुझे बोला है कि दो तीन बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं आफ्टर दे कोलैबोरेट करने के बाद उनका अब टांगे आराम से डाल लीजिए ठीक है तो अभी क्या बोल रहे हैं मेरे पास तीन लोग हैं और तीन लोगों का नाम है ए बी और सी ए का क्या ए कितना पैसा डाल रहा है 2,000 डाल रहा है ए बी कितना डाल रहा है 4,000 सी कितना डाल रहा है 10,000 ठीक है ये हो गया तो अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको मैं रेशियो में ऐसे लिख सकता हूँ कैसे हजार हजार सेम है तो मैंने वो क्या बोला कि रेशियो में क्या होता है रेशियो जब आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक यूनिफॉर्म नंबर होना चाहिए तो हजार हजार तीनों के केस में तो कन्वर्ट हो गया किस में रेशियो में यहाँ नंबर था यहाँ रेशियो में हो गया उल्टा कर दिया पहले इसको एक्स से करते थे तीनों को करते थे इसको फोर से करा तो दोनों को फोर से करा इसको एक से करा तो इसको भी एक से करो तो एक तो ऑलरेडी है सिक्स से करा तो इन दोनों को भी सिक्स से करना है ठीक है डिवाइड अगर टू से करा इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी है तो अब यहाँ पे ये रेशियो कन्वर्ट हो गया उसके बाद मुझे बोलता है जो पहला वाला ए कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है पहला वाला कितने साल के लिए कर रहे हैं एक साल के लिए दूसरा वाला कितने महीने के लिए कर रहे हैं 9 months तीन महीने के बाद कर रहा है ना तो 9 months हो गया यानी कि सभी मुझे मंथ्स में कर रहे हैं तो पहले वाले को लिखूंगा मैं पहला वाला 12 महीने कर रहा है दूसरा कितने कर रहा है 9 महीने तीसरा कितना कर रहा है तीसरा 2 महीने कर रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ोगे कैसे कैसे किया मैंने क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले ए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 2000 बी कर रहा है ए ने स्टार्ट करा एक बिजनेस साल के लिए तो वो 2000 तो 12 महीने हो गए चार 3 महीने के बाद कर रहा तो 9 महीने लास्ट के 2 महीने में डाल रहा है सी तो 2 हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा रेशियो जिसको मैं क्या करूँगा ये आ गया मेरे पास 12 × 24 9 × 36 10 × 20 ठीक है इसको मैं और सिंपल कर सकता हूँ ठीक है इसको मैंने कहा ना कि किसी एक रेशियो को मैं फोर से मतलब किसी से भी डिवाइड करूँ तीनों को सेम होना चाहिए तो अगर इसको मैं फोर से करूँगा इसको भी फोर से करूँगा इसको भी फोर से करूँगा ये 6 हो गया 9 हो गया ये 5 हो गया एक्सक्यूज मी ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करके मतलब ये आ गया मेरे पास
ठीक है, तो अभी क्या किया हमने इसको, मैंने अब इसको रेशो के, मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि जब भी किसी एक रेशो को मैं डिवाइड करूं तो सेम दोनों बाकी नंबर को भी करना तो वो सेम रेशो में रहेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी करूंगा तो सेम रेशो में रहेगा। यहाँ पे मेरे पास बन गया 6 9 5। ये क्या था, ये जो फाइनल निकला ना, देखो फिर से क्या कर रहा हूँ मैं। मुझे बोला गया था ए बी सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए कुछ पैसा डालता है, बी कुछ पैसा डालता है, सी कुछ डालता है। ए कुछ महीनों के लिए डालता है, बी कुछ महीनों के लिए डालता है, सी कुछ महीनों के बाद, उसके बाद कुछ प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये फाइनल प्रॉफिट का रेशियो है, ये है प्रॉफिट का, दिस इज दी प्रॉफिट्स रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकाला आपने, 4 के 4 छुके। ये मैंने इजी करने के लिए मैंने कहा कि ये देखिए, मैंने 24, 36 और 20 है ना, ये कोई नंबर ले लो जो तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। 2 भी कर सकते हो, 3 कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते 20 है, 4 कर सकते हैं, 4 कर दिया तो ये आ गया मेरा 695, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 24, 36 और 20 भी लिख सकते हो, या इसको 2 2 करके कर लो और सिंपल हो जाएगा। मतलब मुझे छोटे नंबर जैसे हैं ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बड़ों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि माइंड आपको पहले हो जाता है कि बड़े नंबर से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ये मेरे पास निकला प्रॉफिट का रेशियो, कैसे निकाला मैंने, जो आपके पास पहला पैसा था पैसे को रेशियो में कन्वर्ट किया, यानी कि पैसा क्या था, यानी कि मनी जो कैपिटल था, मनी था उसको मैंने मल्टीप्लाई करा टाइम से, मनी के रेशियो को टाइम से मल्टीप्लाई करा तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया M इंटू T, मनी और टाइम, मनी और टाइम, मनी और टाइम, ठीक है। अब बोल रहा है प्रॉफिट का रेशियो पता लगे, अब सिंपल जो हम करते हैं रेशियो प्रोपोर्शंस में कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 5,600। अब मुझे निकालना है किसका प्रॉफिट रेशियो निकालना है ना, तो पहले निकालना है किसका, 6 का निकालना है। अब 6 का निकालना है, दूसरी टेक्निक बताता हूँ कैसे करते हैं। अब लिखिए 6 डिवाइड कीजिए 6 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया 9 6 15 20, 6 अपॉन 20 इंटू 5,600, नहीं 20 ही आएगा, 6 5 11 20, हाँ ये गया, ये गया 2 3 जा, ठीक है। तो ये आया मेरे पास, नहीं आप ऐसा करोगे इसको इसके साथ कर दो, 2 2 8 0, 6 को ऐसे रहने दो। अब मैं क्यों करता हूँ इसको ऐसे, क्या किया मैंने, देखो ये 0 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 80 आ गया, 2 18 2 6 हो गया ना, तो 6 0 ज़ा 0, 2 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 16, 1 6 1 6 8 0। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट में, देखना ना मुझे नेक्स्ट में चाहिए 9 9 को सीधे, नहीं लिखने की ज़रूरत क्यों करना है, ये हो निकाल लिया आपने 280, फिर तीसरा क्या है, नहीं वही आएगा ना, ये स्टेप क्यों रिपीट करना, ये तो फिर से वही आएगा क्योंकि ये 6 प्लस 9 प्लस 5 हमेशा ही होगा, खाली ऊपर नंबर चेंज होगा। मैं फिर से बताता हूँ इसको क्या किया मैंने, जिसका जिसका प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट कितना शेयर किया, टोटल प्रॉफिट आया था 5,600, ए का कितना है तो ए का कितना नंबर है वो ले लो, बाकी जितना तीनों का रेशियो उसको डिवाइड कर दो जो वैल्यू। अब मैंने क्या करा, पहले इसको सिंप्लीफाई करा, 20 आए, 5,600 आए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 220 280 आ गया, 288 इंटू 6 करा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखा मैंने ये 9, अब पहले 6 का निकाला फिर 9 का, डिवाइड में यही 3 नंबर रहेंगे, 6 प्लस 9 प्लस 5, उसको 280 से करा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 0 9 8 72, 9 2 14, हाँ 9 2 ज़ा 14, 9 8 ज़ा 70 14, और नहीं 21 आ रहा है, ये 2520 आ रहा है, 9 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, सॉरी हाँ ठीक है, फिर आ गया हमारे पास। तो ये हो गया, इस तरीके से पैसा बांटा जाएगा उसमें। ठीक है, कभी कभार ये वाला पार्ट आपको ऑलरेडी रेशियो में दिया होगा, कभी कभार हमें खुद बनाना है, कैसे बनाना है, यूनिफॉर्मिटी, फिर से दिमाग लगाना है कि यहाँ पे वो नंबर मैंने हटाया जो कॉमन है तीनों में,
ये 2, 4, 10, ये 12, 9, 9 कैसे आए? इसने 12 महीने इन्वेस्ट करा, इसने 9 महीने करा, इसने 2 महीने करा, हो गया ये। उसके बाद मैंने क्या करा, कोई एक कॉमन नंबर लो छोटा बनाने के लिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो, मैंने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, ये सिंपलर रेशियो में आ गया 6, 9, 5। तो उसको लिख दिया 6, 9, 5। ये कैसे बना, एम इंटू टी। जब प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, पैसा कितना इन्वेस्ट करा उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमने निकाला ये। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे। ये मैंने और एक टेक्निक बताई कि कैसे हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल प्रॉफिट जो होगा ए बी सी का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 लाख। वन लाख, ठीक है, फुल स्टॉप। वन ईयर लेटर बी ज्वाइंड हिम। वन ईयर लेटर बी ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, फुल स्टॉप। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट द प्रॉफिट अर्नड वॉज 84,000। द प्रॉफिट अर्नड वॉज 84,000। ठीक है, फुल स्टॉप। वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, करो उसको खुद से, बट जल्दी करना।
पहला दो इंडिजन है, तीन है, लोग कितने हैं? दो है, एक का 1 लाख है, दूसरे का 2 लाख है, तो मैं एक दो लिख दूं, एक लिख लिया, एक एक लिख लिया, दो, कितने कितने साल के लिए कर रहे हैं? हैं? शाबाश, 24, 36 × 48, तो 4 से करते थे, 4 9 ज़ा और 4 12 ज़ा, 3 से और हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 × 4 हो जाएगा, 9 से करते हैं, 9 4 नहीं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 36, 9 5 12 3 ज़ा 36, हाँ 12 से, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 3/4 आ गया, ठीक है। अब 34 आ गया, तो पहले वाले का शेयर होगा 3/7 × 84,000। अब ऐसा करते हैं, देखो आपको निकालना ना, इसी में आंसर निकालें, 4 में से 3 के कितने हैं, मैं इसको 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस पूछा ना, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 12,000 आंसर आ रहा है, डिफरेंस पूछा है ना, हम उनको निकालें क्यों जब निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। पिछले वाले निकाला था मैंने, 12,000 ही आ रहा है ऐसे सॉल्व करने का, कि आ ही नहीं रहा है, देखो यहाँ पे क्या करते थे हम, जो नंबर निकालना है वो लिया, बाकी जितने नंबर उनको डिवाइड में कर दिया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मुझे निकालना है उनका डिफरेंस, दो नंबर्स का डिफरेंस, तो बड़ा कौन 4, 4 में से 3 के कितने हैं? 1, निकल निकल नीचे हमेशा जो ये पूरा ऐड करते थे ना, जितने नंबर ऐड करोगे, 3 और 4 7, तो मैंने कर दिया 7 1 ज़ा 7 कैरी हो गया, 7 2 ज़ा 14, 12,000 आ गया, ये और एक शॉर्टकट ट्रिक बन गई, ये डिफरेंस अगर निकालना है, अब देखो डिफरेंस आ रहा है, वैसे कन्वेंशनल मेथड से करो आप, ऐसे करो आप कन्वेंशनल मेथड से करो, कि पहले आपने लिया 3 3/7 और यहाँ पे बनाए 12,000, सॉरी हाँ 12,000, तो एक 36,000 बनेगा, एक 48,000 बनेगा, डिफरेंस 12,000 ही आएगा, तो वो करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, इतना सरदर्दी लेने की, अब डिफरेंस ही जब पूछा है। ट्वेल्व थाउजेंड ही आ रहा है डिफरेंस, आपको समझ आई कंफ्यूजन है कहीं, तो प्लीज रेज योर हैंड या पूछो। टू लैख कोई इशू नहीं, मतलब समझ आ गई ना, सही है ना, वैसे ठीक है, डन डन, कोई इशू नहीं, नंबर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, 7,800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी, 7,800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी, द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, 3/4 ऑफ बी, द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, एंड द शेयर ऑफ बी, एंड द शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ सी, एंड द शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ सी, स्टॉप, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब थोड़ा इसमें उलझाया हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी इन्होंने क्या कर दी है, लैंग्वेज थोड़ी मोल्ड कर दी है, ए इज 3/4 ऑफ बी, तो ए इज 3/4 ऑफ बी, तो उसको ऐसे लिख दूं, ए अपॉन बी इक्वल टू 3/4, तो
तो यानी कि रेशियो आ गया ए इज टू बी का 3:4। वैसे बी इज टू सी का क्या आया, बी इज 2/3 है तो 2:3 हो गया। हो गया। अब यहाँ पे रेशियो इक्वल करने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करते थे, किस कड़ी को जोड़ते थे, बी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो रेशियो आया मेरे पास ए इज टू बी इज टू सी का 3:4:6। अब निकल जाएगा आंसर। उन्हें थोड़ा डिसीव करा आपको, उल्लू बनाया कि ए इज 3/4 था बी, तो हम ए बी मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड में कर दिया, रेशियो आ गया ए इज टू बी इज 3:4। सर आपको आता है बट लैंग्वेज ना कंप्रेहेंड करने के चक्कर में हम लॉस कर देते हैं अपना। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, क्या बोला गया इससे, बी और सी। तो अब क्या करोगे, बी और सी में डिफरेंस कितने का है, सीधे कर दोगे, कितने का डिफरेंस है, 6 और 4 2 हो गए, नीचे क्या लिखोगे, 3 और 4 7 7 6 13, टोटल शेयर कितना है इनका, जो 7800, 13 1 13 13 6 72 होता है, नहीं 78, 600 आ गया, 1200 आ गया। बी और सी का बोला ना, क्वेश्चन में लिखो ना, क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, समझ आ रही है, उतारना नहीं खाली समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब और एक कंसेप्ट लेते हैं, आपकी जो इनकम होती है, इनकम के दो पार्ट होते हैं, इनकम के क्या होते हैं, दो पार्ट, एक होता है सेविंग, एक होता है एक्सपेंडिचर। तो इनकम किसके बराबर होता है, इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए हम ये वाला पार्ट कर देते हैं, इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंस पता लग रहा है ना, कैसे क्या शॉर्टकट ट्रिक से पता लग रहा है ना, एक सीधे उन दो रेशियोज को ले लो, जो डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाय टोटल रेशियो का ऐड करना है, इनटू जो पार्ट है जो बांटना है उन तीनों में, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा। फिर से वो रेशो की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप किसी एक रेशो को, जो रेशो 4:3 है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो विल रिमेन सेम, अगर सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करोगे रेशो विल रिमेन सेम। ठीक है, तो रेशो विल नॉट चेंज ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दी नंबर्स बाय सेम नंबर, और डिवाइड भी करेंगे किसी से तो वो चेंज नहीं होगा, ये हमने जो बताया आपको अभी। ठीक है, लिखिए, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4 इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ इज 2:3, 2:3 if the ratio of expenditure of both, if the ratio of expenditure of both is 2:3 and each saves rupees 200 and each saves rupees 200 comma
फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो कंसेप्ट क्या है, इनकम हमेशा किसके इक्वल होती, इक्वल रहती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा निकालने के लिए, इनकम निकालिए ए एंड बी, दो चीज़ें रेशो में दी है। अब उस रेशो को नंबर में कन्वर्ट करोगे जिसको हमने, जिसकी वैल्यू निकालनी है। हमें रेशो एक्सपेंडिचर की निकालनी है या इनकम की निकालनी है, तो उसने बोला इनकम निकालनी है आपने, तो हम क्या करेंगे, तो इनकम वाले पार्ट को मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा, रेशो वाले पार्ट को इंटैक्ट रखूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर मुझे नहीं निकालना है, तो उस रेशो को हम ऐसे रखेंगे। तो इसने बोला इनकम किसके बराबर होती है, इनकम होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों नंबर रेशो में है, दोनों नंबर क्या है, रेशो में, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इनकम ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिवाइडेड बाई इनकम ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। वो कैसे, अभी आपने बोला था, मैंने बोला था ए इज 3/4 ऑफ बी, ए वॉज 3/4 ऑफ बी, उसको मैं लिखा था ए अपॉन बी इक्वल्स टू 3/4, तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं। फिर इसको मैंने ऐसे लिखा था ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:4, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनकम ऑफ ए किस में दी है, रेशो में, क्या दिया है, कितना ए और बी का रेशो, 3:4, तो इसको लिख दूंगा मैं, मैंने कहा कि मुझे यही वैल्यू निकालनी है, 3/4 तो लिख दिया, मैं इसको 3x/4x लिख दूं, क्यों, क्योंकि मुझे इनकम निकालनी है, अगर एक्सपेंडिचर निकालना होता तो एक्सपेंडिचर के साथ जोड़ देता, और दोनों कितना जोड़ रहे हैं, ये 200 जोड़ रहा है, ये भी एक मिनट इसको सेपरेटली करते हैं, ये आ जाएगा, ये 200 और नहीं, सेविंग होगा, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इसका रेशो क्या है, 2:3, तो इसको लिखूंगा 2, ये भी सेव कितना कर रहा है, 200, और कितना है इसका, ये इक्वल एक ही आएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। इस केस में ऐड नहीं करना है इसको, ये रेशो के पार्ट में नंबर है, दिस इज रेशो, दिस इज, तो कीपिंग दैट इन माइंड, तो मैं नंबरों को, ये नंबर बन गया तो नंबर को नंबर के साथ लूंगा मैं, यह जगह 3x-2 अपॉन 4x-200 इक्वल्स टू, ठीक है। पहले हमने दो रेशो दिए थे, x इनकम के साथ क्यों जोड़ी, क्योंकि वही निकालनी थी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रेशो में दिया है ए बी का, और ये नंबर है, रेशो नंबर के साथ कभी ऐड नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसके साथ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यह जगह 3 3 9 9x, 3 2 6 600, 2 4 8x, 2 2 400, तो ये एक्स वाला इधर आ गया 9x-8x, ये आ गया माइनस और प्लस हो गया 600-400, ये आ गया मेरे पास 200 वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना था कि इनकम कितनी है ए की और बी की कितनी इनकम, यही बोला था, तो ए की इनकम कितनी होगी, 3x, ए की इनकम हो गई, इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू 3 x, दैट इज 3 × 200, 600 हो गई इसकी इनकम, और इनकम ऑफ बी कितना हो गया, इनकम ऑफ बी हो जाता 4 × 200 हो गया 800, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताओ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर, देखो हमने क्या किया है, अगर इसी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर बोला होता तो मैं किसको सेम रख लेता, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोला होता एक्सपेंडिचर निकालना होता तो मैं रेशो में किसको रखता, मैं हाँ उसको 2:3 को लेते, इनकम को मैं क्या रखता रेशो में, इनकम को फिर ये ऐसे रखते हो, यानी कि इनकम वाला पार्ट ऐसे रहता,
लेकिन अभी इनकम वाले पार्ट नंबर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ वाई मैंने इस तरफ का नंबर जो 200 रुपये सेविंग थी उसकी, उसको इधर कर दिया। प्लस यहाँ होता है माइनस हो जाता है, प्लस यहाँ होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कराए, ठीक है। ये लंबा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कहाँ से आई वैल्यू। आपको समझ आई? आपको घर के लिए क्वेश्चन लिखिए, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड पेंस अमंग हिज फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स। A, B, C, and D. In the ratio of 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 1/6. We'll stop. What is the minimum number of pens that the person should have? ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस मैं क्या करोगे, आप जो नीचे वाले नंबर है उनका एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, होल नंबर में कर दोगे। जब वो होल नंबर में आ जाएंगे उनको ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आई ना? वो बोला है कम से कम कितने पेन उसके पास होने चाहिए कि वो ऐसे अपने दोस्तों में बांटे। तो जो डिवाइड वाले पार्ट है उसका आप एलसीएम निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर, जो वो बाकी नंबर है एक आपके पास नंबर्स आ जाएंगे उनको ऐड करोगे, दैट शुड बी द नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव सो दैट ही कुड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द फ्रेंड्स इन द गिवन रेशियो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, ए बॉक्स हैज 378 कॉइन्स, A box has 378 coins of rupees 1, 50 paisa and 25 paisa. ठीक है, इसे बताता हूँ। एक कल वाला क्वेश्चन मैंने जो दिया था उसमें क्या लिखा था मैंने रुपीज, इसमें क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है, पहली लाइन पहले रुपीस 180 थे ना कल जो बांट रहा था, इसमें क्या लिखा है? कॉइन्स। वहां पे क्या दिया था? वैल्यू। यहां पे क्या दिया है? नंबर। कल वाले में नंबर, कल वाले में वैल्यू दी थी, आज वाले में नंबर दिए है, ठीक है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस में, आप पहले ही नहीं देख पाओगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 150 पैसा 25 पैसा हूज वैल्यूज आर इन द रेशियो, whose values are in the ratio of 13:11:7. 13:11:7.
13:11:7 है? नहीं नहीं 13:2 मतलब क्या कह रहे हो आप? हाँ, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स आर, द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स आर, ठीक है इसको अब जल्दी जल्दी करते हैं, कल मैंने इसी टाइप बताई थी, आज हम इसको करेंगे थोड़ा जल्दी में। पहले दिए मुझे कॉइन्स, कॉइन्स कितने दिए? ये नंबर है और मेरे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे है, ठीक है। इसकी क्या दी है, किसकी दी है वैल्यू? वैल्यू दी है कि नंबर दी है इसका? इसकी वैल्यू दी है, वैल्यू दी है, ये क्लियर है? तो वैल्यू दी है तो वन को कितनी बारी करेंगे कि वन बने। अब हम क्या करेंगे इसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ये वैल्यू था ना, ये वैल्यू था, इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए? एक, तो 1 × 1 कर दिया। अच्छा इसके कितने चाहिए और इसके, ये मैं कह रहा था, लेकिन रेशियो क्या दिया है इसका? 13, 11 और 7, ये मेरे पास रेस्पेक्टिव रेशियो आ गया, या 13 या 22 या 28, ये क्लियर हो गया। ये नंबर ही दिया था ऊपर, किसका निकालना है आपको? 50 पैसा की वैल्यू निकालने की नंबर निकालना है? वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर निकालेंगे, नंबर दिए ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर निकल गया, तो मेरे पास आ गया। कल हमने डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि जो दिया था वो क्या था? नंबर था, उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया। आज दिया वैल्यू, उसको किया नंबर में कन्वर्ट, उसके साथ कंपेयर करो आप। मैं इसको करता हूँ तो ये आ गया, किसकी वैल्यू निकालने? 50 पैसा की ना, 50 पैसा बीच वाला आ गया, तो 22 लिखा, या 13, 22, 28 और 3, 7, 8, या मेरे पास 22, या आ गया 50, 63 और यह 2, 3, 78, तो 6, 5, 30, 6, 6, 6, 6, 3, 18, 6, 6, 36, तो यह आ गया 132, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे बोला गया था, कहाँ गया, मुझे नंबर ऑफ नंबर बोला था, तो नंबर निकल गया, आंसर आ गया, कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कल वाला क्वेश्चन देखो और इसको आज देखो, उसमें क्या बोला था? वैसे भी करो, मैं कह रहा हूँ ये तो और इजी हो गया। वो देखो मैथ में क्या होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग ए पर्टिकुलर गोल, आपको जैसे लगे, मैंने कल अलग कराया आज अलग कराया, जो आपको इजी लगे। नहीं यार रुक जाओ मैं बताता हूँ, इधर आ जाओ, ये समझ आ गया ना? कल इसको कंपेयर करो, दिखाओ रेशियो में है 3 और 5 में, 9 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि जो ये ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शन कहाँ ये है ना, ऑप्शंस, ये ऑप्शंस मेरे पास 4 ऑप्शंस है। इसको मुझे क्या करूँगा, मुझे बताना कि स्मॉलेस्ट नंबर को, स्मॉलेस्ट रेशियो पहले देखेंगे तो 3 है, देखूंगा इस 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है 3 से, 3 1 30 90 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 2 गए बचे, ये 2। अब इसने बोला अगर मैं इसे 9 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नया जो रेशियो होगा वो 12 और 23 होगा, स्मॉलर 12 ही रहेगा हमेशा। तो मैंने क्या कर दिया, 9 9 सब्ट्रैक्ट करें, इनको करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको ये 33 डिवाइड ही नहीं हो रहा है। देखो ना किससे हो रहा है, 3 से तो हो रहा है पहले, 9 9 से
ना 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 ना, नाइन सब्ट्रैक्ट करना है, नाइन सब्ट्रैक्ट किया ना आपने, 27 में से 9 हो गए 18 आ गए, 27 में 33 में से 9 हो गए तो 24 आ गया। ये रेशियो क्या है इसका स्मॉलेस्ट का, 12 है, उससे 12 से 18 डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, नहीं हो रहा है, 24 हो रहा है, बस खत्म के। तो ये आंसर आ गया आपको। ये नहीं देखना है जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये थोड़ी देखना है, ये जो रेशियो है, रेशियो जो आया स्मॉलेस्ट देखना, तो स्मॉलर रेशियो डिवाइड करना, ग्रेटेस्ट होगा तो ग्रेटेस्ट रेशियो करना है। हाँ, इसको भी देखो ना, इसके साथ कंपेयर करो, हम थोड़ी 7 से डिवाइड किया था यहाँ पे, अपने 7 4 28 आ रहा है, लेकिन ये इसलिए नहीं किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 था, 5 7 35 हो रहा था। हाँ, ये 5 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कल वाला और आज वाला देखो, ऐसे दो टाइप्स आते हैं इसमें, सिक्कों में ऐसे ही आती है। अब हेडिंग लिखिए परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज देखो, अगर आपको पेपर सॉल्व करने हैं तो यूपीएससी के पिछले साल के पेपर्स देखो, उसकी उन्होंने पूरी वीडियो एक्सप्लेन की होती है, उसको देखो, ज़्यादा बुक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले जब से 2014 से पेपर हुए हैं, वो यूपीएससी के पेपर उठाओ, उनको करो, आपको मतलब मैं कह रहा हूँ, अगला पेपर अगले से 4 साल बाद भी पेपर होगा तब भी उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कंसेप्ट सेम होगा, ये नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस होंगे, बट उसी बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप इधर उधर की बुकें ले लेंगे, बैंकिंग की बुक आती है वो उठा लोगे, वो उससे क्वेश्चंस करने लगोगे, और डिफिकल्ट देखने लगोगे, मैं तो और मैथ में मैंने पीएचडी करनी है, उसका कोई फन नहीं है, क्योंकि उसने जो पूछना ही है वो पूछ रहा है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इतने क्वेश्चन डीप पूछता ही नहीं जितने बैंकिंग में पूछता है कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बेस होगा, जब फॉर्मूला पता होगी तभी आंसर निकलेगा, वो कॉमन सेंस होगा, अगर कॉमन सेंस प्रिवेल करी आप पेपर इजीली करोगे, कॉमन सेंस डिस्टर्ब हो गया मेंटली, आप यू आर अपसेट, तो पेपर नहीं होगा, आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हर पार्ट में 10-10 20-20 मिनट लगाओगे, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, सॉरी परसेंटेज का कंसेप्ट है, परसेंटेज में क्या होता है कि परसेंटेज में परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज होती क्या है, तो परसेंटेज अगर मैं बोलूँगा कि एक पेपर हुआ है उसमें मेरे 63 नंबर है, ठीक है, तो टोटल मार्क्स उसमें है 136, तो उसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज पास परसेंटेज निकालनी, तो जितने मैंने नंबर अचीव किए हैं उसको डिवाइड करूँगा टोटल नंबर से इंटू 100 कर देंगे, ये जनरल फार्मूला है, तो 126 लिख लो, 126 आ गया, 2 से हो गया 2 1 250 5, तो ये 50% आपका रिजल्ट आ गया, सो 50% इज दी आपके पास परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, जो आपने नंबर लिए हैं टोटल नंबर इंटू 100, दैट इज परसेंटेज, प्लेन परसेंटेज। अब कभी कभार ऐसा होता है, यू हैव टू फाइंड एक्स परसेंटेज ऑफ वाई, दैट इज 53% ऑफ 25, तो यहाँ पे परसेंटेज को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25% ऑफ 53, 25/100 इंटू 53 करा, 25 1 25 4 4 1 और फिर इधर आ गया 4 1 12 4 3 12.10 आ गया 25, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ऐसे होगा। तो अब क्वेश्चन लिखो एक प्लेन परसेंटेज पे,
निखिल स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम निखिल स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन हाउस रेंट एंड 15% ऑन हाउस रेंट कॉमा 40% ऑफ द रिमेनिंग 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 30% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 30% ऑन एंटरटेनमेंट फुल स्टॉप ही इज लेफ्ट विथ 3600 ही इज लेफ्ट विद रुपीज 3600 फुल स्टॉप वट इज निखिल्स मंथलीज इनकम वट इज निखिल्स मंथली इनकम ये घर से करके आना ठीक है सो दैट्स एनफ फॉर टुडे रिमेनिंग वाला पार्ट देख लेना इसमें ठीक है इसमें रिमेनिंग होगा तो